जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय जिनेन्द्र। सभी मित्रों का एक और बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। चर्चा करते हैं हम यहाँ पर नेचुरल गैस और क्रूड के बारे में। नेचुरल गैस में काफ़ी अच्छी जो है वो दोनों साइड की मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिली थी पिछले वीक के अंदर। तो आगे यहाँ पर क्या हो सकता है उसके बारे में भी जो है वो चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो अभी कुछ उसका क्लोजिंग हुआ है दोस्तों, 151.70 के आसपास। तो लास्ट वीक में जो है वो 160 का एक लेवल चर्चा किया था कि वहाँ पर अगर जाता है और 4-5 दिन का क्लोजिंग करता है तो अच्छी तेजी आ सकती है। तो 161 के ऊपर गया, 4 साढ़े 4 पॉइंट बढ़ा, लेकिन फिर वापस से लगभग लगभग वही लेवल के आसपास 2-3 दिन रुका और फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो ऊपर की साइड की भी चर्चा करते, नीचे की भी बात कर लेते। यहाँ पर वो लेवल 160, 161 का लेवल ऐसा है दोस्तों कि वहाँ पर रुकना जरूरी है। वो लेवल के ऊपर अगर रुकेगा तभी कुछ नई तेजी की तरफ जाने की उम्मीद बनेगी। तो अभी 157.50 एक पहला रेजिस्टेंस हम मान के चलते हैं नज़दीक का। 151 के आसपास जो है वो कुछ क्लोजिंग हुआ है। तो यहाँ से ऊपर जो है वो बड़ा लेवल अब ध्यान में रखते, ये जो हाई लगाया था वो, क्योंकि मार्केट में थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहता है और चेंजेस के हिसाब से हमें भी थोड़ा थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। तो 165 का लेवल हमें ध्यान में रखना है, 157, 165। 165 के ऊपर बड़े टारगेट 175, 190, 200 ये लेवल खुलेंगे, लेकिन पहले वहां पर जाने के लिए वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा। सीधा नहीं जाएगा, सीधी मूवमेंट नहीं आएगी, पहले वॉलेटाइल दौर जो है वो शुरू होगा, जो कि अभी शुरू हो चुका है। ठीक है, नीचे की तरह सपोर्ट जो है वो अब हमें ध्यान में रखना है। ये जो लो लगाया था अभी हमने लास्ट ये वीक के अंदर 146, पिछले वीक के अंदर मिले थे, उस टाइम पे भी शायद यही लेवल चर्चा किया था कि बड़ा जो सपोर्ट है वो 145 के आसपास है। तो अभी भी वो बड़ा सपोर्ट उसने ब्रेक नहीं किया है। यहाँ से देखेंगे तो हमें करेक्शन देखने को मिलेगा बिल्कुल। यहाँ पर हमने जो मंडे टू फ्राइडे जो लेवल चर्चा करते 10:30 बजे के आसपास जो वीडियो आता है उसके अंदर बात भी करी थी कि एक 157 का सपोर्ट है वो ब्रेक करे तो थोड़ा सावधान रहना। तो वो टूटा, थोड़ा करेक्शन हुआ। तो जैसे चर्चा करी, वॉलेटाइल ट्रेंड दोस्तों रहेगा इसका। अब बात कर लेता हूँ ये क्रूड के बारे में। क्रूड में पहले सपोर्ट की चर्चा कर लेता हूँ। तो सपोर्ट रहेगा 6400, ये वाला जो लो पकड़ा है वो ही मान के चलते, 6430 का पहला सपोर्ट मान के चलते। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करे तो फिर यहाँ पर नीचे में एक बड़ा सपोर्ट खुल सकता है 6360 के आसपास। ठीक है, बड़ा जो सपोर्ट बनेगा वो ये बनेगा। यहाँ पर नज़दीक का सपोर्ट देखना चाहो तो ये ले सकते हैं 6430 का। तो ये वाली लक्ष्मण रेखा होगी 6360, ये लेवल के नीचे अगर 2-3 दिन रुक जाता है, क्लोजिंग कर लेता है, तो फिर खतरनाक ट्रेंड शुरू हो सकता है, फिर अनाप शनाप गिरावट आ सकती है। तो ये लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग कर देता है 2-3 दिन का, तब हमें सावधान रहना है। तेजी कब हो सकती है? तो तेजी के लिए जो लेवल हो सकता है दोस्तों वो हम ध्यान में रखते हैं 6545 के आसपास। ये लेवल जब तक नीचे की तरफ होल्ड कर रहा है तब तक तेजी में थोड़ा संभलना पड़ेगा। बाउंस आए तो भी ये लेवल के ऊपर डे क्लोजिंग करेगा, तभी कोई अच्छी बड़ी तेजी की तरफ जा सकता है। बाकी यहाँ से जो है वो पलटने की संभावनाएं बनी रहेगी। नीचे में ये लेवल है, तो अगले वीक के लिए बड़ा रेंज जो है वो ये हो गया 6550 से 6350, ये 200 पॉइंट का दायरा हो गया। जब ये दायरे को 2-3 दिन ऊपर नीचे क्लोजिंग करेगा तब अच्छी एक बड़ी मूवमेंट की शुरुआत हो सकती है क्रूड के अंदर। तो यहाँ पर ये वीडियो दोस्तों करते समाप्त। अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहली बार आए हो तो डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो भी चर्चा हमने करी है वो एजुकेशन के लिए है, मार्केट को सीखने समझने के लिए है। इसके ऊपर आप ट्रेड करो, उससे पहले आप भी अपने साइड पर ये सारे लेवल को चेक कर लीजिएगा, आपको ठीक लगे वैसे फिर आप काम कर सकते हो। वीडियो में बने रहे इसके लिए सभी मित्रों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।